प्रणव, सबसे पहले वेलकम इन आवर चैनल और नए साल की आपको ढेर सारी बधाई। इस बार का जो इलेक्शन है आपके लिए कितना चैलेंजेस है? सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको नए साल की हार्दिक बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। इलेक्शन का कल आखिरी दिन है, नॉमिनेशन का आने वाला जो इलेक्शन है उसको कितना सीरियस आता है, कितना चैलेंज आपके सामने? मेरे सामने कुछ वैसा चैलेंज है नहीं, क्योंकि मैं एक समाज सेवी के रूप में जब से मैं पूर्व पार्षद रही, 5 साल मैंने एक सेविका के तौर पर काम किया है, एकता मानवता के आधार पर काम किया है। तो जिस प्रकार हमारे वार्ड की जनता ने, जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया था, एक आशा और अपेक्षा मुझसे रखी थी, जो भी आशा अपेक्षाएं थी मैंने पूरी करने की कोशिश की और लगातार उनकी सेवा में रही, तो उनका आशीर्वाद, उनका साथ आज भी मेरा साथ है। तो कोई चैलेंज वैसा है नहीं कि है, जनता का साथ है मेरा, आशीर्वाद है मेरा साथ। आखिर आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया जो लोगों को काम किया? मैंने सबसे पहले जो जनता की सेवा में हमेशा प्रयासरत रही। मेरा ऑफिस 10 से 2 और 5 से 9 हमेशा खुला रहा, और इसके अलावा भी अगर जनता सुबह शाम रात दोपहर जब भी चाहे, मतलब किसी का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, पानी का मामला, किसी भी तरह हर वक्त आप लोगों के साथ, लोगों के साथ 24 आवर जब भी। लेकिन ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि बीजेपी वाले जो होते हैं वो नफरत फैलाते हैं, हम लोग मोहब्बत फैलाते हैं, तो इसके बारे में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चलते हैं। आप एक भी योजना बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी की योजना केंद्र सरकार की, कौन ऐसी योजना है जो भेदभाव के आधार पर दिया गया? सभी ने इसका साथ दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और दूसरी बात, मैं भी बीजेपी काउंसिलर हूँ, आज मेरे वार्ड में भी लगभग 40% माइनॉरिटी है। आप किसी से पूछ लीजिए कि हमने क्या, मतलब अनेकता के आधार पर काम किया, कोई भेदभाव। मैंने सबसे पहले जो भी डेवलप काम होते हैं, रोड का, नल का, लाइट का, डस्टबिन का, घर का, शौचालय, पेंशन, मैंने उसका बराबर अधिकार में काम किया है, सभी को एक समान देखा है। और जनाजा घर, जो जनाजा घर पहले नहीं था मेरे वार्ड में, सभी माइनॉरिटी की मांग थी एक जनाजा घर हो, क्योंकि कब्रिस्तान जो इस्लामिया कब्रिस्तान मेरे वार्ड में पड़ता है, तो सभी आसनसोल के लगभग लोग वहाँ कब्रिस्तान है जो आते हैं, उसको मैंने संसम करवाया। आपके वार्ड में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसके लिए क्या किया जी? और कब्रिस्तान का वहाँ कच्चा ये था, तो हमने पक्कीकरण करवाया, वो भी करवाया। आज रोड बहुत सारे टूटे हुए थे, मस्जिद गली में जाने बहुत अंधेरा भी था, लाइट नहीं था वहाँ पर, रोड भी टूटे थे, मैंने उस रोड को भी करवाया। और मेरे वार्ड में स्कूल के लिए, मेरे वार्ड में 2 उर्दू स्कूल पढ़ते हैं, एक अरबिया जमाली स्कूल, एक उर्दू लैंग्वेज जो है उर्दू स्कूल। तो मैंने देखा कि हमारा समाज तकनीकी है, मोबाइल का है, नेट का है, कंप्यूटर का है, हमने देखा कि वहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो मैंने देखा कि हमारे स्कूल में 4 स्कूल है हमारे वार्ड में, और मैन होने के नाते, स्वास्थ्य और शिक्षा देखने के नाते, मैंने देखा कि हमारे उर्दू स्कूलों में सब कंप्यूटर नहीं है, बच्चे देश का भविष्य है। इसको सोचते हुए मैंने अपने बच्चों को जैसा सोचा कि वहाँ पर हमने 2-2 कंप्यूटर, दोनों पूरा सेट, प्रिंटर जो भी कंप्यूटर का सेट होता है, उन्होंने वहाँ मेरे वार्ड में बच्चे जितना, चूंकि आप जानते हैं कि बोर्ड तृणमूल कांग्रेस का था, वहाँ तो बोला गया था कि सभी का पेंशन होंगे, लेकिन ज़्यादा पेंशन तो नहीं हो पाया। आसनसोल का ही बात, सिर्फ मेरे वार्ड का ही बात नहीं, पूरा आसनसोल का वार्ड का ही ले ले, 50 लगभग माइनोरिटी को भी आपने, हाँ 50 मतलब हुए, उसमें माइनोरिटी को भी हमने दिया है 25 माइनोरिटी का पेंशन हुआ जी। हाउसिंग प्रॉन में बोला गया था कि 200 घर 5 साल में किया जाएगा, लेकिन 200 घर नहीं किया गया, और लगभग 100 घर संसद में पास हो चुके हैं, 50 घर बन चुके हैं, 50 घर कम्प्लीट हो चुका है, अब 50 घर संसद हो चुके हैं। और तो हमने उसमें भी
एकलक आधार पर उसमें भी आप देख सकते हैं, मेरे पास पूरा डाटा है कि हमने काम किया है। मैंडू को भी उतना ही दर्जा दे देता हूँ, एक सभी को दिया। इस पार्टनरशिप में हम लोग ने देखा कि जब लिस्ट आई, हाँ आमतौर पर हम लोग ये देखते थे कि जब बीजेपी लिस्ट आउट करती थी हम लोग उल्टा देखा है, इस बार जब टीएससी की लिस्ट आई तो तृणमूल के चाहने वाले काफी नाराज हो गए। इस फसल जो माने की चाहने वाले हैं उनके कुछ नेता का टिकट कट जाने की वजह से उन लोगों में नाराज दिखाई दे, और जबकि बीजेपी की जो लिस्ट आई तो काफी लोगों को खुशहाल दिखाई दे और काफी दमखम से बीजेपी एक्शन कर। तो आप लोगों ने किस नीति के तहत ये टिकट बंटवाए थे? देखिए, हम लोग पहले मैं बता चुकी हूँ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर काम करते हैं। हमारा जो संगठन है तय करता है कि हमारा लक्ष्य होता है सेवा, कि अगर किसी एक को अगर भीड़ मिला तो हम सब मिलकर सपोर्ट करते हैं कि हमारा विकास काम ही करना है। तो एक को अगर करते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि विकास का कार्य हो। हमारा लक्ष्य नहीं कि मतलब अगर टिकट नहीं मिला तो नाराजगी करेंगे तो दूसरे दल से उठेंगे, क्योंकि हम लोग का ध्येय हम लोग का अंतिम वर्ग के लोगों तक उस सुख सुविधा को पहुँचाना है। एकात्म मानवमान और जो हमारा है हमारे जो आदर्श है बीजेपी का जो है कि अंतिम वर्ग तक लोगों तक पहुंच दे, जैसे जनधन खाता, आपका घर हुआ, शौचालय हुआ, बहुत सारा ऐसा योजना है, समृद्धि सुकन्या मुद्रा योजना, बहुत सारा ऐसा योजना है, ई श्रम कार्ड अभी जो बन रहा है, तो वहां तक है कि हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी पास वो सुविधा पहुंचे। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, बहुत सारे ऐसे योजना। वो तो ठीक है, असेंबली इलेक्शन भी आप लोग काफी दमखम से कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर माइनॉरिटी वोट वन साइड नहीं होती व्यक्ति विशेष पर होता है कि कितने मतलब सक्रिय है उस वार्ड में, कितने जो लोगों तक पहुंचते हैं, कितना सेवा कर पाते हैं, ये इलेक्शन संक्रमण कुछ अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बीजेपी के लोगों को टिकट मिला है, जितने भी लोग हम लोग जितना संगठन के लोग हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि जनता के घर घर तक जाए। माइनॉरिटी से भी मैं मेरा अपील है, जिस प्रकार मुझे विश्वास है माइनॉरिटी लोग देख चुके हैं इन 5 वर्षों में जो बीजेपी ने किया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में जो काम किया है, माइनॉरिटी लोग भी इस चीज को महसूस किए हैं, उसका भी फायदा उठा है, लाभ लिए हैं, वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे। और खास करके मेरे काम का, मेरे वार्ड में जो काम हुआ है एक एकता के आधार पर, हमने हर योजना में हर चीज में डेवलपमेंट में, चाहे कब्रिस्तान का मॉडल वार्ड की बात हो वो भी हमने कराया, लाइट की बात हो, तो जो भी मेरा डिमांड था मेरे वार्ड का, मेरे जिस प्रकार अगर मंदिर का कम्युनिटी हॉल अगर बना है तो हमारा कब्रिस्तान का भी बना, अगर वो तो है। और एक बात कहते हैं कि आप अपने वार्ड में काफी मजबूत हैं, तमाम जितने चाहने वाले जितना वोटर है सब आपको जाते हैं। और एक चीज आपको जाता है कि इधर प्रीवियस आप 5 साल थे कि 2 साल तो इलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन 7 साल में आपके इलाके में पीसफुल माहौल था, काफी अमन अमन। इसकी क्या वजह? इसकी यही वजह है कि मैं सभी धर्मों से, सभी मानवता धर्म को सर्वोच्च समझता हूँ। मेरी कविता भी है कि आओ हम मिलकर करें ऐसा भारत निर्माण, विकास की गंगा बहे तो भारत का उत्थान, बच्चे बूढ़े खुश रहे, नारी को मिले सम्मान, जात पात का भेद ना हो, मानवता सर्वोच्च स्थान। तो मैंने मानवता का सर्वोच्च स्थान दिया है, हम लोग दोनों जाति लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, हमारे सुख दुख में हम भी जाते हैं, वो लोग भी आते हैं, हम अपने वार्ड को, अपने समाज को एक 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 नजर से देखते हैं, एक समाज को नजर देखते हैं। चूंकि मैं काउंसलर थी तो मैं मालिक के हूँ सामने नाते, घर का गार्जियन अगर बोला जाए तो एक समान समझते थे कि हमारी जनता एक समान है और एक साथ, जैसे हर माँ बाप सोचता है, हर लोग सोचता है कि हमारा परिवार हमारा बच्चा एक साथ मिलकर रहे, एक मतलब खुशहाल रहे, हमारा समाज खुशहाल रहे, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो किसी भी पार्टी का हो, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वार्ड 53 की बात की है, इस बार हम लोग देखते हैं तीन को नहीं होगा, एक सीएम को भी हमको एक नेता दिखाई दे रहा था और टीम से भी दिखाई दे रहा, तो आप ये दो जो कैंडिडेट को देख रहे हैं दो नंबर में सो देख रहे हैं या फिर आपका मुकाबला किससे? देखिए, लोकतंत्र सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लोग अपने अपने तरीके से आजमाएंगे, लेकिन मुझे अपने पर और हमारी जनता जनार्दन पर जो मैंने कार्य किया है उस
उसे आखिर कर्म के आधार पर मुझे विश्वास है कि जनता मुझे फिर से चुनेगी, फिर से आशीर्वाद देगी और पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुमत से देगी। आप अगर अपने वार्ड में जीती हो तो 3 साल पहला है कि मैंने देखा 5 सालों में जो बेरोजगारी है महिलाओं की, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो रोजगार तो नहीं दे पाई, महिलाओं को भी नहीं दे पाई, युवाओं को नहीं दे पाई, लेकिन मैं एक काउंसलर होने के नाते जितना मेरा बनता है मैं चाहूँ कि मेरे वार्ड महिलाओं को रोजगार के लिए स्वनिर्भर बनाने के लिए मैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर खोलूँगे, लगातार हर तरह का ट्रेनिंग महिलाओं को दूंगी ताकि वो ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेशन का कोर्स करा के जो लड़कियाँ हैं महिलाएं हैं वो अपना रोजगार कर सके, कंप्यूटर का ट्रेनिंग देके कर सके, चूड़ी बनाने का मैंने अभी 100 महिलाओं को दिया है, कोरोना आने की वजह से फिर हम लोग रुक गए, तो लगातार मैंने कंटिन्यू चलता रहा था, सेकेंड फेज में भी 70 महिलाओं को देने की बात थी, तो वो मेरा लगातार चलता रहा क्योंकि मैं एक समाज से भी मेरा आशा ट्रेंड जो दूसरा काम है चलिए आप एक ट्रेनिंग सेंटर करने जा रहे हैं प्रति वो खुद कभी बनना चाहिए और दूसरा काम है स्कूल का भी मैं सभी से वक्त अभी आज पूरा आसनसोल की बात देखें जनसंख्या बढ़ रहा है स्कूल बहुत कम चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो बंगला मीडियम हो तो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको पढ़ाने का उतना कैपेसिटी नहीं है, हमारा समाज उतना अमीर नहीं है एजुकेशन की तरफ फोकस। हाँ एजुकेशन की तरफ तीसरा स्वास्थ्य पर हाँ मैंने देखा कि बड़े बड़े बीमारी के लिए केंद्र सरकार के बीमा फंड से भी मिलता है, कुछ राज्य सरकार की तरफ से भी मदद मिलता है, लेकिन छोटी दवाइयाँ के लिए मैंने देखा कि एक एक घर में 500 रुपये की दवाई के लिए नहीं होता, 100 रुपये भी नहीं होता, इतनी गरीबी है इतना है, तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि जो भी लोग मतलब 100 से लेकर 1000 रुपये के बीच किसी का भी ट्रीटमेंट का बात हो मतलब जनरली जैसे कोई मैंने देखा बहुत सारे बुजुर्ग लोग आते हैं पैसा नहीं है दवा का लेने का, तो वो चीज़ छोटे छोटे चीज़ को मैं करूँगी और कोई भी बीमारी हो किसी भी तरह का ये हो उसको भी कोशिश करूँगी तक किसी भी तरह से एनजीओ के माध्यम से राज्य सरकार कॉरपोरेशन के माध्यम से सेंटर जो भी किसी तरह मैं उस पर करवा सकूँ और मैंने किया भी बहुत सारे। वैसे देखिए असेंबली इलेक्शन में तो हमने 66 जीता था और इस बार हमारा बोर्ड बनेगा क्योंकि बीजेपी बोर्ड बनेगा क्योंकि जो खुशहाली मैंने देखा बीजेपी अभी जो लोगों में एक मतलब खुशी का माहौल है कि चलो बीजेपी का बोर्ड बने और कुछ डेवलपमेंट लोगों में तब्दीली की लहर है।